न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण की चुनौतियों की समीक्षा। भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने के दिए निर्देश। हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतने के साथ सभी के स्वास्थ्य चेकअप के दिए निर्देश। गोरखपुर और देवरिया में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज। मंडल आयुक्त ने कहा कि मंडल में 6 पॉजिटिव मरीजों का चल रहा है इलाज, जल्द हो जाएंगे निगेटिव। बाहरी व्यक्तियों के जनपद में प्रवेश की सिस्टम में किया गया बदलाव, बिना जांच के नहीं जा सकेंगे अपने गांव। जिला प्रशासन के लिए आने वाली ट्रेनों को लेकर मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। ट्रेनों से आने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य जांच किए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा। कहा, कराए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड। डीएम और एसएसपी ने किया जनपद के बढ़लगंज उरवा सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण। लिया लॉकडाउन की स्थिति का जायजा। बेवजह घूम रहे गाड़ियों का कराया चालान। लॉकडाउन के मद्देनजर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर और जिलों में किया गया फ्लैग मार्च। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, जनता को सुरक्षा का एहसास दिलाने और लॉकडाउन का पालन कराने के मकसद से निकाला गया फ्लैग मार्च। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट का अभिनव पहल। महवा मंडी में रविवार से ऑड इवन व्यवस्था होगी लागू। प्रतिदिन खुलेगी केवल 50% दुकानें। कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आईसीआईसीआई बैंक ने जिलाधिकारी को दिया जीवन रक्षक उपकरण। कहा, कोरोना के योद्धाओं को मिल सकेगी मदद। महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह और उनकी टीम झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों का बनी सहारा। किया लंच पैकेट वितरित, डाउनलोड कराया लोगों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप। सेंटर ड्यूज कॉलेज के सौजन्य से सिटी मजिस्ट्रेट ने मीडिया कर्मियों को वितरित किया मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर। और शनिवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। इस दौरान अनावश्यक सड़कों पर घूमने वालों को 1-1 मीटर की दूरी के घेरे में बैठाकर दी गई सजा। एएसपी विकास कुमार ने लोगों से घरों में रहने की अपील।